किसान जवान और सबको साथ लेकर चलने वाली हमारी लाडली विधायक महोदया, पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान सरकार आदरणीय डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल जी से निवेदन है कि आप मंच से ही आप अपना महत्वपूर्ण संबोधन हम सबको प्रदान करें कि गुल खिला गुलशन खिला अब गुलाब की बारी है। बहुत सारी चीजें हम सब ने कही मैडम, बहुत सारी सौगात देने की बारी आपकी है माननीय विधायक महोदय। सम्मानीय प्रधान महोदय, सम्मानीय पूर्व प्रधान जी, सम्मानीय मंच से सारे जनप्रतिनिधिगण, वर्तमान पूर्व जनप्रतिनिधिगण, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सरपंच साहिबान, पूर्व सरपंच साहब, वर्तमान सरपंच साहब, सम्मानीय जिला परिषद सदस्य, पूर्व जिला परिषद सदस्य, सम्मानित मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय अतिथिगण, युवा साथियों, माता बहनों और मीडिया के साथियों, सबसे पहले हम तमाम जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, अधिकारीगण बैठे हैं, हम सबकी ओर से इस नगर पालिका की सौगात के अंदर आज के इस आयोजन में नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी पार्षदों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगी। प्रधान जी ने बहुत अच्छी बात कही, इतिहास में ये चीजें काम जो कर गई है, जहां पर नाम लिखा जाएगा इस जायल पंचायत समिति में, जायल ग्राम पंचायत में लास्ट और प्रथम चेयरमैन सरपंच में जगदीश का नाम, आपके पार्षदों का नाम हमेशा रहेगा। ये बहुत नसीब वालों को, कुछ लोगों को ही नसीब होता है, आप बहुत भाग्यशाली हैं, इसलिए आपको ये सौगात मिली। जो आपके साथ में आपकी जो टीम है वो सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आपको मेरे से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, इससे कामना करना चाहूंगी कि आप लोग हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, आपका परिवार फले फूले, आपकी दीर्घ आयु हो और सभी को परिवार में साथ लेकर जायल के विकास में आप कड़ी के रूप में आप काम करें, यही मैं आपसे उम्मीद करना चाहूंगी। जहां तक आपके काम की बात है, मुझे पूर्ण विश्वास है हम सब जो लोग आपके इस प्रोग्राम में जो शामिल हुए हैं, अपनी तरफ से आप कोई कमी नहीं रखेंगे काम करने में, विकास करने में। आपको जब मौका दिया पहले कार आपके कार्यकाल में, आपको ये मौका होता है। और जो भी जनप्रतिनिधि मंच पर बैठे हैं, आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, लोकतंत्र में जनता बड़ी होती है और जनता उन्हीं लोगों को मौका देती है जो वास्तव में काम कर सकते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं सब लोग जो यहाँ पर आज सरपंच के तौर पर, जिला परिषद के तौर पर, पंचायत समिति सदस्य के तौर पर आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। बहुत भाग्यशाली है जो जनता ने आपको मौका दिया है, ये मौका कम चाहकर भी हम दोबारा नहीं ले सकते, इसलिए मौके को आपको आपको संवारना है और जनता के विश्वास और भरोसे और विकास पर खरा उतरने की तरफ से, अपने तरफ से पूरा आप भरोसा और विश्वास रखकर आपको काम भी करना है। अगर जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे तो निश्चित तौर पर यही जनता, जिसको अपन माई बाप कहते हैं, वही आपको आगे बढ़ने का मौका देगी, ये मेरा भरोसा मेरा विश्वास है। जहां तक काम की बात है, राज की बात है, आप सबकी ओर से मैं जो सामने विराजमान जायल जनता की ओर से, तब सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जो गहलोत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने आपकी भावना के आधार पर, आप लोगों ने जो भी मुझसे मांग करी मैंने उनको कागज दिया और उन्होंने भावना को साकार रूप में इस बजट के माध्यम से, आप लोगों को सबको पता है जो जो मैंने मांग करी उन्होंने पूरा का पूरा काम कर दिया। आगे का समय और है, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी, जो कुछ और बातें जो और काम, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगी काम करवाने के लिए, लेकिन उस चीज में भागीदारी आप जनता की, आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद की जरूरत है, तब हम आगे काम कर पाएंगे। अब जो 25 पार्षद हैं, आपकी चेयरमैन, आपके वाइस चेयरमैन है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। ग्राम पंचायत का अलग काम होता है, नगर पालिका का अलग काम होता है। आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, यो साहब आपके लग चुके हैं,
आप लोगों का आज का कार्यक्रम हो जाते हैं, उसके बाद में आपको विद्युत रूप से आगे क्या कार्यक्रम करना, क्या प्लान बनाना, क्या योजना कर दी, आप लोगों पर डिपेंड करता है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, अपने अपने वार्डों के लिए आप अपनी तरफ से जो भी काम करें, जनता की राय से सलाह मशवरा से एकजुट से होकर काम कर सके, ताकि आपके गाँव का, आपके वार्डों का विकास हो सके। इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु, आप सामूहिक रूप से बैठकर आपका एक्शन प्लान आपको तैयार करके आगे के कार्य आपको करना है। आपको जहाँ हमारी आवश्यकता प्रशासन के माध्यम से आवश्यकता, हम लोग आपके लिए आगे के मार्गदर्शन में हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। इस मंच के माध्यम से मैं उन अधिकारियों का नाम भी लेना चाहूंगी जो इस कड़ी के रूप में आगे विकास के रूप में मेरा सहयोग बनकर मेरा काम किया, एसडीएम साहब, बीडीओ साहब, एडीएम साहब है, सब लोगों ने जहाँ जहाँ मुझे जिस कागज की जरूरत पड़ी आपने तुरंत एक फोन पर वो कागज दिया, जिसकी वजह से आज विकास साकार रूप में जायज जो आगे बढ़ रहा है, आपको भी उसमें भागीदारी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और निश्चित तौर पर मुझे इस बात पर इस मंच पर कहते बड़ा गर्व होता है, अगर आप जैसे अधिकारी सब जगह जाए तो निश्चित तौर पर काम में कोई कमी नहीं रह सकता है। आपने अपनी तरह से विकास को माध्यम मानकर आपने काम कराए हैं, आपका शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं ज्यादा आपका समय में नहीं लेना चाहूंगी, सबसे निवेदन करना चाहती हूं कि इस ऐतिहासिक पल को आप लोग सब याद रखें, और याद रखने के बाद में जो प्रधान जी ने कई बातें कही थी, टेक्नोलॉजी का युग है, मोबाइल का युग है, इसको आपको कैसे आगे काम करना है, इसका बहुत आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, आप लोग सब लोग जानते हैं, काम जहाँ जरूरत हो, जहाँ आपकी आवश्यकता हो, जहाँ आपको जाने की जरूरत हो, वहाँ आप जाहिर रखना, अपने संबंधित जो है अधिकारी या कोई कर्मचारी जैसे भी आपको काम कराना, काम आपको करवाना है। और बच्चों की पढ़ाने की बात जो आपने कही, वो आगे का युग, आपको सबको पता है कि पहले पुराने जमाने में आपके जमाने में कितना फर्क आ गया, समय इतना आगे बढ़ गया है। सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि जो युग चल रहा है उसको भी आप में ध्यान रखें, अपने पूर्वजों का जो समय था उसको भी ध्यान में रखकर आने वाले समय को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर तीनों चीजें अगर अपन ध्यान में रख लिया तो निश्चित तौर अपना जीवन, अपना घर, अपना परिवार साकार रूप में आगे बढ़ सकता है। आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि इस कीमती समय को जो अपने को मिला है, इसका सदुपयोग आपको और हमको सबको कैसा करना, इसको आपको ध्यान में रखना है। मेरा मान सम्मान, मेरे साथ में सभी लोगों का जो मान सम्मान किया, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। और पुनः पूरी आपकी जो टीम है, आपकी सारी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। और आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जिस पद पर आसीन हो उस पर आप आगे से आगे बढ़कर काम करें, सबको साथ में लेकर काम करें। पुनः आप लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। कामों को गिनाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि क्या काम मैंने करवाए हैं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब लोगों को पता है सोशल मीडिया और अखबार के माध्यम से क्या क्या काम जो बड़े होने चाहिए, मैंने अपनी तरफ से कोई काम करने में कोई कसर नहीं रखी है। फिर भी किसी भी व्यक्ति के, किसी भी आदमी को, कोई भी अगर काम की बात है, जरूरत है, अगर आपकी इस चीज की जरूरत है, आप मुझे अपनी तरफ से कहना, मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखूंगी आपके काम करने में। आपने जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ। पुनः आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। राम राम।